देखो भाई, हम इसे बोलते हैं मैंगो, भैया हमारे बोलते हैं इसे आम, और मैडम हमारी इसे बोलती है मैंगी फेरा इंडिका। इसी तरह हम इसे बोलते हैं लायन, भैया बोलते हैं इसको शेर, और मैडम बोलती है पेंथेरा लियो। तो आखिर ये मैडम की क्या भाषा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में प्लेस करना। साथ ही साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उन कैटेगरीज के क्या क्या नाम हैं और हर कैटेगरी का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें जिस भाषा की बात की गई है वो आखिर है क्या। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 7 ब्रॉड कैटेगरीज रखी हैं, जो कि हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये जो कैटेगरी है, ये ना हायर टू लोअर है, यानी ये सबसे बड़ी कैटेगरी, और फिर धीरे धीरे नीचे जा रहे तो हम लोअर होती जा रही कैटेगरी। जैसे नॉर्मल होता है किंगडम, राज्य, कि भाई राज्य सबसे बड़ा होगा, फिर शायद उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस होगी किंग की, फिर क्वीन होगी उसके बाद, देन मुख्यमंत्री। तो ऐसे लेवल्स हैं, रैंकिंग है। तो सेम यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में है, तो इसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। अब समझते हैं हर एक रैंक का या कैटेगरी का मतलब क्या है। तो किंगडम मैंने बताया सबसे बड़ा है, तो बचपन में जैसे समझ आता था मोटे तौर पे, एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, तो उनको एक अलग अलग किंगडम बना दिया, एक अलग अलग राज्य बना दिया। तो किंगडम एनिमल वाला जो है उसको तो कहते हैं एनिमेलिया, इसी तरह प्लांट वाले को बोलते हैं प्लांटे। फिर टाइम के साथ समझ आया सिर्फ एनिमल और प्लांट्स नहीं है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फंगस है, ये समझ आया, तो उसका अलग किंगडम बना दिया, फंजाई, ठीक है। इसी तरह और भी 2-3 किंगडम्स बना दिए गए। फिर बाद में हमें समझ आया एनिमल्स में भी तो अलग अलग तरीके एनिमल्स हैं, जैसे फर्स्ट वीडियो में बात की थी, इससे पुरानी वीडियो में, कि एनिमल में तो जेलीफिश भी है। तो जैसे जेलीफिश है और उसके जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनका ना एक फाइलम बना दिया, जिसे हम बोलते हैं लिडेरिया। इसी तरह जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनका एक फाइलम बना दिया, जिसे हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फिर एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी हैं, स्पाइडर्स भी हैं, उनका अलग फाइलम बना दिया, आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे करते करते ना 38 फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर। तो अभी हम सारे तो नहीं लिख सकते, पर ये समझ के लिए 3 को लेके चलेंगे आगे, ठीक है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं और उनमें फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, तो वहां पे हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हमेशा फाइलम यूज करते हैं। अब मैंने कॉर्डेटा में बताया आपको हायर एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया गया, जैसे कि एम्फीबियंस के लिए यूज करते हैं, क्लास बोल दिया एम्फीबिया, रेप्टाइल्स के लिए रेप्टीलिया, यानी क्रोकोडाइल, टर्टल, ये आ जाएंगे इसमें। इसी तरह मैमेलिया, ठीक है, एक क्लास आ गई इसमें मैमेलिया, जिसमें मैमल्स आ जाएंगे। अब मैमल्स कैसे इसमें प्लेस हुए हैं, मैमल की क्या पहचान है, कि उनकी सबकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, मीन्स यंग बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले एग देगी फीमेल बॉडी से बाहर, वो टूटेगा और फिर बच्चा आएगा, मैमल्स में ऐसा नहीं होता। एंड बॉडी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं यंग वन को नरिश करने के लिए। तो ये पहचान जिस भी एनिमल में है, बॉडी पे बाल खास करके, ये तो बहुत ही अच्छा डिस्टिंग्विश फीचर है, उसको रख देते हैं मेमेलिया कैटेगरी में। अब खुद सोचो, बॉडी पे बाल की बात हो रही है, तो हम में भी हैं, बॉडी पे बाल हैं, ठीक है। इसी तरह एप्स के पास भी हैं, बंदर के पास भी हैं, और हमसे वो कुछ रिलेटेड भी हैं। तो इनकी एक कैटेगरी बना दी, तो मेमेलिया के अंदर इनका एक ऑर्डर बना दिया, जिसे हम बोलते हैं प्राइमेटा, जिसमें एप्स, ह्यूमन एंड मंकी तीनों इंक्लूड होते हैं। इसी तरह एक ऑर्डर है इसके अंदर रोडेंशिया, यानी रोडेंट्स। रोडेंट्स की ने बोलते हैं स्क्विरल है, हैमस्टर है, माउस है, रैट है, उनको हम रोडेंट्स बोलते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। इसी तरह एक ऑर्डर है इसके अंदर कार्निवोरा, तो मेमेलिया के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो अब कार्निवोरा के अंदर क्या होगा, मेजर कार्निवोर्स आएंगे, जैसे कि लायन है, बियर है, वुल्व्स हैं, ये सारे आएंगे। अब फैमिलीज हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर दो मेजर जो फैमिली
हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली। साइंटिफिकली कैट फैमिली को बोला जाता है फेलिडे। इसके अंदर क्या कहेगा, एक तो वही जो मोहल्ले में घूमती रहती है पड़ोस वाली बिल्ली कैट वो आ जाएगी। दूसरा डिस्कवरी वगैरह देखते होगे तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ना बिग कैट्स लायन टाइगर चीता ये सब आते हैं उसमें, तो वो भी इस फैमिली का पार्ट है। देन डॉग फैमिली को साइंटिफिकली हम बोलते हैं कैनिडे और इसके अंदर आएगा डॉग ऑब्वियसली, देन वुल्व्स फॉक्सेस, तो ये सब इस फैमिली का पार्ट है। अब इसके अंदर क्या बात है कि जीनस है फैमिली के अंदर, तो कैट का जीनस होता है एक फेलिस जो मोहल्ले वाली बिल्ली है उसका जीनस। देन बिग कैट्स में एक जीनस आता है इसी तरह पैंथेरा, तो ये फेलिडे फैमिली के जीनस हो गए। अब जीनस के अंदर स्पीशीज, तो पैंथेरा जीनस के अंदर लियो नाम की स्पीशीज आती है, टिग्रिस नाम की स्पीशीज आती है एंड पार्डस नाम की स्पीशीज आती है। अब कुछ ध्यान दोगे तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही नाम लिया था पैंथेरा लियो, बोला था लायन का साइंटिफिक नेम है, इसी तरह पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है। तो हम बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना उसको एक पर्सनली अपना नाम दे देते हैं साइंस की भाषा वाला, तो उसको कहते हैं साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो साइंटिफिकली नामकरण करने की प्रोसेस है ना इसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से होता है, क्या समझ आ रहा है, जो स्पीशीज है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो स्पीशीज का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, उसके जो ज्यादातर फीचर्स हैं फिजिकल अपीयरेंस है वो सब एक दूसरे से मिलती है और वो अपने ग्रुप में मेटिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, दूसरे ग्रुप के साथ नहीं करेंगे। कि जो लायन है वो लायंस के साथ ही मेटिंग करेगा, टाइगर के साथ उसकी मेटिंग नहीं होगी, नेचुरली ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। अब हम देख सकते हैं जैसे कि हम हायर टू लोअर कैटेगरी आ रहे हैं ना तो करेक्टर्स की सिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही है, तो ये है रैंकिंग सिस्टम, सिमिलैरिटी करेक्टर्स की बढ़ रही है जैसे जैसे हम लोअर सब कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये जो नोमेनक्लेचर है नामकरण की प्रोसेस है ये किस तरह से होती है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो ये जो नोमेनक्लेचर है इसे हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल इसलिए कि जो नाम है ना वो दो कंपोनेंट से बना है, जैसे लायन का पैंथेरा लियो तो दो कंपोनेंट है नाम में, तो बाय मींस दो, तो इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये नामकरण करने का सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, तो ये भी पूछते हैं कि किसने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब इसको लिखा कैसे गया, तो सबसे पहले दो कंपोनेंट है नाम के, तो नाम का जो पहला कंपोनेंट है ना वो हमेशा किससे आएगा, जीनस से, तो इसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। इसी तरह नाम का जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमेशा स्पीशीज से आएगा, तो इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो एक तो ये रूल है सबसे पहला। दूसरा आप ध्यान दोगे मैंने लिखा कैसे इसे, तो ये चीज, ये जो पेंथेरा का पी है ये कैपिटल है बाकी सारा कुछ स्मॉल है, तो यानी फर्स्ट लेटर जो है जीनस का दैट इज ऑलवेज कैपिटल, रेस्ट एवरीथिंग इज स्मॉल, ये हमेशा स्मॉल होगा। तो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिख के आना है, अगर आप लार्ज लिख के आ गए उसको कैपिटल लिख के आ गए तो वो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या रूल इसमें समझ आ रहा है, अंडरलाइन किया है मैंने दोनों को तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, कभी भी ऐसे नहीं करना कि ये मिला दी वो गलत हो जाएगा, हमेशा अंडरलाइन भी करेंगे सेपरेटली, तो अंडरलाइन सेपरेटली, ये है थर्ड रूल। पर आप कहोगे मैंने बुक्स पढ़ी, बुक में तो मुझे अंडरलाइन कहीं मिली नहीं, तो ये क्या चक्कर है। तो देखो जब हैंड रिटन होता है जब खुद से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करते हैं दोनों को सेपरेटली, पर जब हम बुक्स में लिखते हैं टाइपिंग में जाते हैं तो उसको इटैलिसाइज करते हैं, तो किसी प्रोजेक्ट में लिख के दे रहे हो ना तो इटैलिक्स करना, अंडरलाइन करोगे तो बड़ा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा कि तुमको सिंपल सी चीज नहीं आई, तो ये कहानी है। फिर ये जो भाषा का वाद विवाद है ना ये पूरी दुनिया का है, सिर्फ यहाँ का नहीं है, अपने देश का नहीं है। तो उसको मिटाने के लिए क्या किया गया कि चाहे ऑर्गेनिज्म कहीं भी मिले, चाहे अमेरिका में मिले, इंडिया में मिले, चाइना में मिले, फ्रांस में मिले, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो डेराइव होगा लैटिन लैंग्वेज से। तो नाम हमेशा लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन लैंग्वेज से डेराइव होते हैं।
इसी तरह आप कई बार नाम पढ़ोगे ना तो उनमें क्या देखोगे कि इस तरह से लिखा होगा, जैसे कि ये लिखा होगा मैंगीफेरा इंडिका और आगे इस तरह से ऐसे लिन लिखा होगा। तो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, आगे क्या लिखा है लिन। तो ये लिन कहां से आया, ये लिन है नाम लीनियस का एब्रीवेटेड। तो ये इसलिए नहीं लिखा हुआ कि लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो हर जगह लिन एब्रीवेट करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है वो ऑथर जिसने फर्स्ट टाइम किसी स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है। तो मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज को सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए लिन लिखा हुआ है। ऐसी कोई और स्पीशीज होगी उसको जो फर्स्ट टाइम ऑथर डिस्क्राइब करेगा उसका नाम भी आप एब्रीवेट करके आ सकते हो। अच्छा, एक रूल और है एब्रीवेशन का, इसको ना मैं ऐसे एब्रीवेट कर सकती हूँ पी डॉट लियो। ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमें स्पीशीज का नाम पता है और जीनस का नाम याद नहीं आ रहा और पेपर में हमें दिया गया, वो तो हो गया कि पेपर में क्या करने का तरीका एक चला सकते हो। मेन इसको कब करते हैं एब्रीवेट हम, जैसे मैं कोई साइंटिफिक पेपर लिख रही हूँ लाइन के ऊपर, एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, उसी पेपर के अंदर पेंथेरा लियो, पर आगे आगे मैं बार बार पेंथेरा लियो पूरा ना लिख के पी डॉट लियो लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी सेपरेटली अंडरलाइन किया है, इसको कैपिटल रखा है। तो ये रूल्स होते हैं। अब मेन सवाल आप पूछोगे कि साइंटिफिक नाम दे क्यों रहे हैं, तो ये इसलिए दे रहे हैं कि शेर और लायन यहाँ हम दो नाम जानते हैं, पर जर्मनी में इसको कुछ और बोलते होंगे, जापान में कुछ और बोलते होंगे, हर देश की अपनी एक लैंग्वेज है। तो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कम्युनिकेट करने में अगर साइंटिफिक पेपर निकाल दिए जाए कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो उन कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कि जब भी साइंटिफिक कम्युनिटी इकट्ठी हो उसे पता तो लगी क्या बात हो रही है, हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दे दिया। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं किसको क्या कहते हैं और साइंटिफिक नेम भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे पेंथेरा डिग्रीज बोला सबको पता है टाइगर की बात हो रही है, ड्रोसोफिला बोला सबको पता है फ्रूट फ्लाई की बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए ना साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो यानी कि जब भी हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है सबसे पहले हम उसके फीचर्स देखते हैं कि वो किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, क्या उसमें कोई यूनिक फीचर्स हैं, तो ये सब देखा जाता है। फिर उसके हिसाब से उसको एप्रोप्रिएट कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, सब कैटेगरीज में प्लेस कर देते हैं एंड फाइनली उसे एक नाम दे देते हैं। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की, क्लासिफाई करने की एंड देन उसका नॉमेनक्लेचर करने की, इसे हम सिंगल ब्रांच के अंदर डील करते हैं जिससे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इसलिए जब मैंने क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज पढ़ाई थी तो वहां वर्ड यूज किया था टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी तरह जो हर एक कैटेगरी है ना उसके अंदर उसको एक टेक्सोन बोलते हैं, यानी किंगडम एक टेक्सोन है, फाइलम एक टेक्सोन है, क्लास एक टेक्सोन है, सब कुछ एक टेक्सोन है। तो टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोन वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को उससे फेमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आप आगे ऐसे और लेक्चर देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप आगे और कौन सा वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में एनरोल होना चाहते हो तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड वी विल मीट अगेन इन सम अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन अडियोस।